श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है। अफगानियों ने कराची में जश्न मनाया है पाकिस्तान की शिकस्त पर। अफगानियों ने पाकिस्तानियों को जड़पाल बनाया है। वीडियो आई है जिसमें छुरी के जोर पर एक पाकिस्तानी को नंगा किया गया है और फिर जबरदस्ती कहा गया है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। सीनियर सहाफी अरबाब चांडियो वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के सामने फट पड़े। अगर कोई सिंधी बलोच या उर्दू बोलने वाला ये काम करता तो उसको गद्दार कहा जाता, लेकिन कल जब श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है, अफगानियों ने कराची में जश्न मनाया है पाकिस्तान की शिकस्त पर। अफगानियों ने पाकिस्तानियों को यरकमाल बनाया है। वीडियो आई है जिसमें छुरी के जोर पर एक पाकिस्तानी को नंगा किया गया है और उसे जबरदस्ती कहा गया है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, अफगानिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। अगर हमारे वतन में अफगानी आकर हमारे वतन के लोगों को यजमान बनाकर हमारी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर फतह मनाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान की रिट के पर बहुत बड़ा सवाल है। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है, अफगानियों ने कराची में जश्न मनाया है पाकिस्तान की शिकस्त पर। अफगानियों ने पाकिस्तानियों को यजमान बनाया है। वीडियो आई है जिसमें छुरी के जोर पर एक पाकिस्तानी को नंगा किया गया है और फिर जबरदस्ती कहा गया है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। अरबाब चांडियो ने शर्जील मेमन से मुतालबा कर दिया और उन अफगानियों को जो कि निकाला जाए, उनको फौरी तौर पर निकाला जाए, वरना दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप सबका एहतियात भी करेंगे और सकता है बायकॉट भी करेंगे। पाकिस्तान अफगानियों को भगाओ। नतीजा, कराची पुलिस ने सोराब गोट में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की शिकस्त पर जश्न बनाने वाले अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। कराची पुलिस ने 150 अफगानियों को हिरासत में लेकर फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। एशिया कप फाइनल में शिकस्त पर मुख्तलिफ इलाकों में अफगानी अपना परचम उठाए सड़कों पर निकल आए थे। तफसीलात के मुताबिक एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद कराची में मुकीम अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान के कौमी परचम उठाए जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आने के मामले पर पुलिस ने अफगान बाशिंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना था कि अफगानियों ने मुख्तलिफ इलाकों में नारे लगाकर पाकिस्तान की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया था। पुलिस ने दर्जनों अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार करके फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए। पुलिस ने अफगान बाशिंदों का कारोबार भी बंद करा दिया। खारादर पुलिस ने अफगान शहरियों की दुकानें बंद करवा कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोराबगोट, बनारस, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, कायदाबाद, लांडी, कुरंगी, सिविल लाइन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन मेमार, श्रीजीना कॉलोनी और दीगर इलाकों में पुलिस ने छापे मारकर 150 से जायद अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए। सोराबगोट थाने में गिरफ्तार होने वाले अफगानी शहरियों का कहना है कि जिसने खुशी मनाई और झंडे लहराए उनको पुलिस ने बरवक्त गिरफ्तार नहीं किया। उनका गुस्सा गरीब अफगानियों पर निकाला जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले ज़्यादातर अफगान शहरी वो हैं जो चिप्स, पेंचर, फ्रूट, सब्जी फरोश और मेहनत कश हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ है, अफगानियों ने कराची में जश्न मनाया है पाकिस्तान की शिकस्त पर। अफगानियों ने पाकिस्तानियों को यजमान बनाया है। वीडियो आई है जिसमें छुरी के जोर पर एक पाकिस्तानी को नंगा किया गया है और फिर जबरदस्ती कहा गया है कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ।